बहन लोकल बिस्किट बनाया, इसको इतना ब्लॉगिंग में देखते रहते हैं हम, आज खाने मिलेगा बहुत टेस्टी। और ये यहाँ में रूपम भाई भी आ चुका, अभी जस्ट आया ना भाई, पहुँचा है मेरा, हम लोग नहीं है। हाँ तो यहाँ पे हमारे लिए आज का डिनर रेडी हो चुका है, बहुत ये है टेस्टी होगा ना ब्लॉग में होगा। ये है चिकन, चिकन का स्टाइल में चिकन। गुड मॉर्निंग सभी को, और आज का दिन में सभी मतलब आई होप सभी ठीक होंगे। और हमारा आज बहुत मतलब क्या बोलेगा, इतना दुख लग रहा है ना आज हमको, आज हमारा चौका में लास्ट दिन है, तो उसका बाद पता नहीं कब आने मिलेगा कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन चांस मिलेगा तो जरूर से फिर से विजिट करेगा। तो आज हम मतलब आज यहाँ पे बैठा हुआ है, हम उठ के क्या करेगा ऐसे। आज हम लोग मेन बात था, हम लोग परशुराम कुंड जाने के लिए बात था, तो क्या हो गया कि सुबह में हमको इतना जोर से मेरा पूरा माता सता पूरा दर्द दे रहा था ना, बीमार हो गया था, तो हम हो जाएगा बोल के आज नहीं गया हम परशुराम कुंड। तो आज हम सोचे कि थोड़ा इधर उधर और घूम लेगा ना, आज तो पता नहीं हो पाएगा। और इतना खूबसूरत वाला जगह को, और हाँ इतना सुंदर, इतना बर बर के भगवान ये नामसाई चौका थेजू में इतना बर बर के पूरा ब्लेसिंग दिया है ना, इतना सुंदर है सच में गाइस। और जो जो मेरा ब्लॉग में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और नामसाई ये मतलब मालूम नहीं प्लेस, यहाँ आना विजिट करना, बहुत ही खूबसूरत, आपका दिल मन थन पूरा आपको अच्छा लगेगा यहाँ आके। और आज मतलब बहुत दुख है हम, आज मेरा लास्ट दिन है यहाँ, और पता नहीं आज तो इतना कवर नहीं कर पाएगा, और जितना दिन बीता है लेकिन बीतने में बहुत दिन बीता है यहाँ सच में। और मतलब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करेगा, इतना खूबसूरत जगह को छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना। फिर मेरा भी अपना फैमिली है, आप मालूम जो जो मालूम नहीं है उसको बता देगा मेरा, हम ऑलरेडी शादीशुदा है, कोई कोई मतलब मेरा ये ब्लॉगिंग को देख के हमको गाली देने वाला भी बहुत होगा और अप्रिशिएट करने वाला भी बहुत होगा। और मेरा दो बच्चा है, और उसके बाद में हाँ दो बच्चा है, हम शादीशुदा है। तो प्लीज़ जो मेरा ब्लॉग नहीं देखा है, मेरा पुराना ब्लॉग चेकआउट करना, आपको मालूम चलेगा। तो हम जैसे तैसे टाइम निकाल के यहाँ में आने के लिए हम 2-3 साल से, क्योंकि क्या बोलेगा रूपम भाई का हम पुराना सब्सक्राइबर है, जब वो हिट भी नहीं हुआ था, अभी तो पॉपुलर हो गया, आपको मालूम है आप लोग का प्यार से मेरा रूपम भाई पॉपुलर हो गया। तो ऐसे होके 2-3 साल से हम इतना ट्राई कर रहा था आने के लिए, फिर क्या करेगा, फैमिली वाला है तो टाइम एडजस्ट करके निकलना पड़ता है। तो ऐसे होके आज जैसे तैसे ये महीना में हमको टाइम मिला, इसलिए हम दौड़ के आ गया, और बहुत खुशी लगा। और मतलब जैसे है, कोई कोई होता है ना ब्लॉगिंग में अलग कुछ और होता है, असलियत में फिर अलग होता है, दोनों में कुछ भी नहीं था सच में, बहुत दिल का अच्छा है, जैसे आपको देखता है ना दोनों वैसे ही है सच में, हमको बहुत अच्छा लगा दिल से, बहुत मतलब थैंक यू दोनों भी, इतना कीमती टाइम हम दोनों को दिया, हमको दिया ना इतना कीमती टाइम, इधर उधर हम लोग को भी ले गया, कल भी ले गया, आप देखा ही होगा ब्लॉगिंग में। और आज हम लोग को मेन बात, आज हम लोग को बुलाया क्योंकि कल हम जा रहे, तो आज हमको मामी ने बुलाया, आंटी ने बुलाया घर पे, तो पता नहीं क्या होगा, लेट्स सी देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, टाइम भी हो गया, देखो आज कहीं नहीं गया, 2:55 3 बजने वाला है। तो यहाँ में मैप में हम देखे हैं, मतलब सर्च किया था रेस्टोरेंट ना या कुछ भी, और हम तो आप लोग देखा ही होगा कल का ब्लॉग में कैसे था, इसलिए यहाँ का बिल्कुल खाने का पसंद नहीं, बहुत अलग से गिन लग गया ऐसे सच में, तो एक कॉकरोच मिलेगा तो गिन तो लगेगा ही है ना, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं खाया सुबह ना। तो ऐसे हो के हम लोग अभी हम दोनों निकल रहे हैं वहाँ में, अपना पेट के लिए करना पड़ेगा, तो खाने के लिए दुनेगा इधर उधर थोड़ा, हम लोग का वहाँ इतनागर में कदम में रेस्टोरेंट है, यहाँ नहीं है, ढूंढना पड़ेगा कहाँ होगा। एक तो देखा है थोड़ा आगे में है आपका 6 मिनट का रोड है, तो वहाँ जाना पड़ेगा बहुत ही, और इतना गर्म में हम थोड़ा सो गया था, सो के उठ के दिखाया तो 3 बज गया, देखो बाहर इतना गर्म, और मेरा ये कैसे है बाइक भी बहुत गर्म हो गया, अभी धीरे धीरे जाएगा। चलिए अभी यहाँ आ गया दावा पे, लंच दावा ना था, एक खा था ली, हाँ
यहाँ है ना। गरम ये सिस्टर, ये ताई थाली ले दो ना, दो उसका मतलब ये खाने में मीट क्या होगा, फोर्क होगा ना, फोर्क डीप फ्राई होगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम क्या देगा? ठीक है फोर्क दो जगह दे दो। हाँ 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 अभी बैठेगा यहाँ, इतना भूख लग गया, क्या बैठेगा यहाँ में, हम आ गया लंच करने के लिए ना, और खाली मतलब पेट दिमाग कुछ भी काम नहीं चलता है, तो इसलिए आ गया यहाँ पे लंच करने के लिए। तो लंच करके देख, पता नहीं रूपम भाई बुलाएगा बोल रहा था, अभी उसको ही इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं वो बिजी भी होता होगा, पता नहीं देखना पड़ेगा, शायद बिजी होने से तो क्या करेगा ना, उपाय तो नहीं है, होगा पहले लंच कर लेगा। और यहाँ खमती थाली ऑर्डर किया है, खमती राइस ना, और देख के हम दोनों मेरिंदा पिएगा, तो इतना गर्मी है ना तो इसलिए मेरिंदा पिएगा, मेरिंदा मेरिंदा माता भी इतना दर्द दे रहे हैं। अभी हमारा लंच आ गया है, खमती थाली और खमती ताई हुई तो सेम तो है, खमती ताई थाली। हाँ और ये क्या साग है बहन, ये क्या साग है, सब्जी है, लाई साग ना, ये लाई साग, आलू है, और ये पेडल हेडफोन, और ये चटनी है पता नहीं, ये फोर्क। और काफ़ी दिन से हम मतलब इतना दिन का बाद हम फोर्क मीट खा रहे हैं, उस दिन जो खाया था नमसा में वो बिल्कुल मज़ा नहीं था, तो आज पूरा मुख में तुक्स निकल आ रहे हैं। टेस्टी से खाएगा, इतना टेस्टी लग रहा है देख के, चलो खाएंगे पहले। उसका लेके हम लोग पास कर देंगे, इतना भूख लग रहा था ना सच में, भूख का कारण कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पूरा माथा मेरा खराब हो चुका था। सो देखिए यहाँ पे हमको यूनिक वाला खाने मिला है, ये बनाना का अंदर का ना, तो ये फर्स्ट टाइम खा रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये वाला साग, ये वाला बनाना ट्री, तो उसका अंदर का एक नरम वाला पार्ट होता है, नरम कुछ होता है वाइट वाला पार्ट, तो ये वाला सब्जी साग फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, तो टेस्ट तो तीखी लगा, टेस्टी लगा। अभी खाके कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम रूपम भाई का घर जाएगा, तो मतलब थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हम लोग के बीच में, क्या बोलेगा ऐसे बोलेगा क्या, तो हमने सोचा कि वो लोग मतलब वो लोग सोचा कि हम लोग आ जाएगा ना, तो हम लोग सोचा कि वो लोग कॉल करेगा, तो ऐसे करके बीच में हम लोग भी मतलब इतना कॉल का वेट किया है, तो वो लोग भी मतलब हम लोग को वेट कर रहे हैं कब से बना के बिस्किट बना के, तो ये है क्या करेगा, हम भी मतलब हो जाएगा कॉल करेगा होगा उनके, फिर वो लोग भी आएगा होगा, तो मतलब बाई भी भूल गया ना, वो भी इतना बिजी, आप उसका ब्लॉग चेकआउट कर लो, वो इतना बिजी हो रहा है वहाँ पे आदमी मरा है, तो इसलिए वो लोग का नियम जैसे कुछ होता है, तो वहाँ पे बहुत बिजी है, तो इसलिए शायद कॉल करने के लिए थोड़ा भूल गया, तो हो जाएगा बहन कॉल करके बुला रहा था, तो अभी हम खा के कम्प्लीट हो चुका है, तो अभी जस्ट यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा वहाँ में।
ये देखो जेरी बहन लोकल बिस्किट बनाया, इसको इतना ब्लॉगिंग में देखते रहता है हम, आज खाने मिलेगा बहुत टेस्टी। और ये यहाँ में रूपम भाई भी आ चुका है, अभी जस्ट आया ना भाई, पहुँचा है मेरा। हम लोग नहीं है सुबह से लेकिन हम लोग आगे खा लिया, आप खाइए। हाय हाय, ठीक है ना? हाँ ठीक है, अभी इसको हम पहले खा लेगा समीर भैया का आने का, ठीक है हम बुलाए आपको कॉल करके। इधर लाइए कैमरा, हम कैमरामैन बन जाएंगे। आप खोलिए और खाइए मजे से। कैसे कैसे उल्टा ना, मैंने उल्टा 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 आइसक्रीम, नो नो, हाँ ऐसे, हाँ इतना ब्लॉगिंग में देखते हैं उल्टा आइसक्रीम जैसा खाने दिल ओके, इसलिए तो बना दिया। इतना लकी है खाने मिल रहा है, ब्लॉग में तो दिखता ही होगा कैसे बनाता है क्या ना। लेकिन ये पट्टा हम लोग ये फ्लावर का पत्ता यूज किया है, नहीं तो वो जंगल वाला जो टुपला भात बनाता है ना वो यूज करता है ना। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। अंदर में मम्मी ने बनाया, मम्मी बनाया ना, हाँ पूरा सूप, हम लोग तो उठा ही नहीं, मालूम ही नहीं कब बना के कम्प्लीट कर दिया। पूरा वॉक करके एक्सरसाइज करने का बाद बनाया है, हर दिन हम ऐसा करते हैं। भाभी भी पता नहीं चला है, बड़ी का जेरी बारी सो रहा था, रस्ती है मम्मी का बनाया। सो देखो हमारा पास कौन है, आपको देख के मालूम चल गया होगा, ये है मेरा चौथा 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 वाला बच्चा ना। तो आज हमारा प्यारा रेयन का साथ में आज आखिरी दिन है, बहुत दया आ रहा है ना, बहुत मोरम लगता है ये रेयन को। अभी आज दीदी आज ही है हम दोनों मिल रहे हैं ना, उसके बाद में कल तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग को निकल जाएगा। और मामी हमको यहाँ में दिया है बिस्किट, तो बिस्किट मतलब थोड़ा पहले हम जो बिस्किट खा रहा था ना वही मामी इतना प्यार से हमारा पैक कर दिया, उसको हम घर ले जाएगा। मेरा हस्बैंड जो बहुत ही पसंद करता है वो बिस्किट को, तो काफ़ी दिन से बोल रहा था, जब भी जेरी बहन का ब्लॉग आता है मेरा हस्बैंड जो थोड़ा देखो 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 जेरी कैसे बना रहे तुम भी सीखो बोल के हमको ऐसे बोलता था। तो और उसको खाने मिलेगा जेरी का हाथ से, वो बहुत खुश हो जाएगा सच में। तो हाँ तो हाँ पकड़ो, तो ऐसे है यहाँ इतना खूबसूरत ना, चुप चुप करके देखेगा यहाँ पे देखो हमारा रेयन बेटा को बुआ ने भूखा है ना, बुआ क्या देखो पूरा कैसे देख रहे, देखो मम्मा इतना मोलम बच्चा है। और यहाँ में देखो पूरा आंटी पूरा ये साग भेजने के लिए रखा है ना, अभी कोई आएगा इसको खरीदने के लिए, यहाँ से तोड़ रहा है जेरी बहन और हमारा आंटी यहाँ से तोड़ के यहाँ में। और जेरी बहन वहाँ पे साग लेने गया है और रूपम भाई मछली मारने गया है उसका फोन से। तो हम हैं और यहाँ पे हमारा छोटा सा रेन है और ऊपर से हमारा ये है दोस्त है ऊपर में। तो आज हमारा जेरी बहन बोल रहा था यहाँ पे दीदी खाना खा के जाओ आज डिनर यहाँ पे करो बोल के, तो ठीक है खुशी खुशी ठीक है बोलता है, क्योंकि आपका दीदी कभी खाने को खाने वाला चीज़ को कभी मना नहीं करता है, हमेशा ठीक के बोल के हमेशा कहते हैं। नहीं देखो इतना प्याला है, इतना फ्रेश पूरा अभी चौक के उठ का है, इसके बाद में इतना प्याला प्याला एक्टिंग कर ले देखो तो इतना मोयम इतना मोयम। और ये देखो सन डूब डल चुका है, तो यहाँ पे इतना जंगल मतलब जंगल, हाँ और इतना साग है यहाँ ना, मतलब यहाँ में अवेलेबल है मतलब खाने को अवेलेबल है, जैसे कि पपाया हो गया साग हर चीज आपको मिलेगा ऑर्गेनिक प्योर ऑर्गेनिक, सच में बहुत ही मजा है। हाँ आप कहाँ जा रहे हैं भैया? चारा ढूंढेगा वो हुक में लगाने के लिए ना, तो मछली मार रहा था हमारा समीर भैया भी साथ में मछली मार रहा था, और किरण भाई भी, किरण ब्लॉग बोल के ब्लॉगर बोल के तो उसका भी चैनल है, तो भाई भी और लोग एक साथ में तीनों मछली मार रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा घूम घूम के आपका दीदी दिखा रहा है। और ये देखो पपाया, ये पपाया जो अजीब है नाता है ना, नाता है। और ये देखो रेन का घर, ये है मिस्टर रेन का घर,
भैया लोग मछली मछली मिला? हाँ नहीं मिला है, थोड़ा है रूपम भाई, छोटा छोटा हो गया क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ ना जो हाँ। में थोड़ा वाला हाँ। तो अभी बड़ा बड़ा होने के बाद में हाँ। तो खेसारी को माछी लगाई रहे के गाइस पोखरी माछी माछा लगा रूपम भाई अभी फिशिंग कर जाऊ भाई थी अभी गा थे किरण को अभी मैं फिशिंग पर गया था अभी जा रहा हूँ बहन और माछी तो रूपम भाई एक दो कितना मिला है वो बाद में आप लोग देखने मिलेगा हाँ, तो अभी हम लोग घर में जाना पड़ेगा क्योंकि किरण हमको वहाँ पे पहुँचाएगा तो उसके बाद फिर आलू का रिटर्न होगा वो ठीक तो फिर आने आने बार में आ जाना और घर में भी ना तो इस बार तो ये देखो रो रहा है करते हैं ना आपका भी वही है ना आस पास आने समय में तो कहाँ ऐसा अंदाजा नहीं मिलता है ना किसका घर काम है किसका काम है आप ढूंढ ढूंढ के आया बहुत अच्छा लगा है ना ठीक है और गुड नाइट भी आपको और अच्छा जानी हो आपको दोनों को ना होगा भाई जाने से कॉल करना पहुँचने का ठीक है भाई ठीक है जाइए बाय बाय। तो अभी भैया लोग निकाल रहे हैं मछली मारने का बाद में ये बच्चा जो हमको बात ही नहीं करने दे रहे पूरा नींद भी लग रहा है उसको अभी ना अभी नींद लग रहा है चलो होगा अच्छा से जाइए ना भाई ठीक है अभी रोयन बेटा सो गया उसको हम सुलाते सुलाते भूख भूख के सुला दिया देखो इतना प्यारा से सो रहे इतना प्यारा से सो रहे बाद में अच्छा आदमी बनना है पैसा तो आते रहेगा धनी तो कुछ नहीं आते रहेगा पैसा तो आते रहेगा बस अच्छा आदमी बनना है इतना शाम हो गया ऊपर से इतना शाम रोयन बेटा हेलो अभी हेलो देखो ऐसे करके चलो भाई ऐसे तेल के वो बात करेगा ओके अब बात करेगा अब बात करेगा ये क्या बोल रहा है आपको खड़ा करके दिखाया अब डेंजर ले डेंजर ले डेंजर बेटा हम डेंजर बेटा है इतना बात करने दिले बात करने दिले देखो ना इसका मुंह पे क्या कर रहा है ना मन में भरा हो कितनी से बात करो ठीक है और ये देखो हमारा दोस्त सो लेट रहे तो यहाँ पे खाना रेडी हो चुका है तो यहाँ पे हमारे लिए आज का डिनर रेडी हो चुका है बहुत ये है टेस्टी होगा ना ब्लॉग में ये है चिकन चिकन वाओ बितुल का स्टाइल में चिकन और ये है मोला साग और वो आलू है क्या पम्पकिन कद्दू है ना वो उस साइड वाला मछली वो है क्या बोलता है बैंगन बैंगन वाह इतना मजा टेस्टी से खाने मिलेगा उसका बात तो पता नहीं कब खाने मिलेगा कि नहीं कुछ नहीं बाद में टाइम मिलता है बोल से फिर से आएगा ना जरूर से आना हाँ। फिर से दोबारा इस बार तो उतना अच्छे से घूम भी नहीं पाया ना हाँ। आने से ठंडा दिन में आना है ठीक है बहुत मजा है हम लोग भी जल्दबाजी में आया है ना तो कभी मतलब ठंडा दिन में ट्राई करेगा आने के लिए फिर से कुछ नहीं पहले खाना खा लेगा तो अभी सबका साथ में अभी हाँ आज शाम का लंच बोलते है डिनर आंटी का साथ में ना आंटी डिनर खा रहे है देखो सबका साथ में डिनर खा रहे है टेस्टी है सो दोस्तों अभी घर भी आ चुका है घर मतलब होटल में आ चुका है तो अभी यहाँ पे पूरा पैकिंग वगैरह कर रहा है कल सुबह में 3 बजे में निकलना है ना हम लोग यहाँ से तो इसलिए पूरा दमादम क्योंकि कल सुबह में हमको टाइम नहीं मिलेगा इसलिए पूरा पैकिंग सेकिंग करके अच्छा से करके डायरेक्ट सुबह में उठ के हाथ मुंह धुला के डायरेक्ट हम लोग को जाना पड़ेगा सुबह हम 3 बजे में जाएगा और अभी मतलब हमारा थोड़ा असम में भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है बोल के सुना है AR गाड़ी को जाने नहीं दे रहा है मतलब रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था लाखो में उसका रीजन से उसका ये से ऐसे हो रहा है बोला है पता नहीं कितना तक सच है और कल फिर भी जाके देखेगा मतलब जाने पड़ेगा और काफी दिन हो गया ना आपको मालूम ही है चौका में इतना दिन से बेटा बैठ रहे ना आपका दीदी और अभी मतलब जस्ट खा के आया इतना लंच खा के आया ना भर भर के पूरा यहाँ तक पूरा सांस लेने नहीं सक रहे इसलिए मेरा दोस्त को हम बोल रहा था अब हम बहुत खाया है क्योंकि हम खा के गया था तो
तो इसलिए पूरा यहाँ तक पूरा खाना यहाँ तक पूरा उठ के फिर हम आके थोड़ा रेस्ट किया, पूरा ज्यादा खा दिया ना। इसलिए मतलब ऐसे भी था, जेरी बहन और रूपम और आंटी लोग इतना प्यार से बनाया ना, फिर नहीं हम नहीं सकेगा, हम नहीं कहेगा, बोलने दिल नहीं था, तो इतना प्यार से बनाया तो कौन छोड़ने दिल होगा ना। तो ये सोच कर दमादम कैलाश में ज्यादा हो गया, खाने नहीं सक गया, बहुत मतलब इतना टेस्टी था ना, पूरा बॉयले तो इतना मजा से बनाया ना। आपको तो मालूम ही है कैसे बनाता है जेरी, इतना टेस्टी से बनाया, लेकिन हम नहीं खा पाया उसके लिए, मतलब नहीं खा पाया है, ऑलरेडी हम खा के गया था। तो अभी हम जा रहे आज क्या था, सबको मिला है, सबको मीन्स हमारा समीर भाई को भी मिला है, भैया को भी मिला है, और हमारा ये को भी मिला है, भाई को क्या नाम था, हाँ क्या नाम था वो का भूल गया थे, और किरण भाई, किरण भाई को भी मिला है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से हम ये मोनू भाई को फ़ोन किया था, मोनू भाई आप हम मतलब हम आया मतलब हम यहाँ में इतना दिन बैठते, आपको टाइम ही नहीं है अपना, मतलब आपको मिलेगा सोचा था, आपका टाइम ही नहीं है ऐसे बोले। तो मोनू भाई हाँ सच में मेरा टाइम नहीं है, बाद में फ़ोन करेगा बोल के, वो भी शायद इतना बिजी है, आपको देखा ही होगा उसका ब्लॉग भी इधर उधर हो रहा है। और बितुल को भी बोला था, बितुल हम लोग आज 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 हम लोग का लास्ट आखिरी दिन है चौकम में, तो चौकम हम लोग कल सुबह जा रहे हैं, आप लोग को मिलने नहीं सकेगा। तो ये भी क्या बितुल भी हाँ हाँ होगा बोल के, तो ऐसे हो गया। तो बितुल को भी मिलेगा सोचा था, वो भी टाइम नहीं दे पाया, मतलब पता नहीं वो भी बिजी था होगा, हम भी लास्ट टाइम मिल के ना, तो उसका उसका वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, चौकम तक आया है। तो इसलिए मेरा दिल से बितुल और प्रियंका को भी दिल से थैंक यू, हमको वहाँ से मतलब इतना अच्छा से गाइड किया है ना, तो यहाँ चौकम तक हम लोग मतलब चौकम तक आने दिया, मतलब मिला है बितुल का थ्रू से, इसलिए दोनों को भी थैंक यू। और बस आज भी बहुत मिलने दिल था दोनों को, नहीं जाने का पहले ना, लेकिन दोनों भी शायद टाइम नहीं था क्या, हम ऐसे लगे हैं मतलब ऐसे, इसलिए हो जाएगा कोई बात नहीं, जो भी हो ये हम बाद में मिलते रहेगा। तो थैंक यू यहाँ से जितना चौकम से हमारा भाई बहन लोग हमारा नाम सही से तेजू से बहुत सबको थैंक यू, इतना सपोर्ट करते हैं, दिल से थैंक यू दीदी, जितना कर सकेगा हम करेगा, ब्लॉग अच्छा लेके आने के लिए कोशिश करेगा। तो आप लोग ऐसे ही दीदी को सपोर्ट करते रहना, दीदी सच में आपको कई सपोर्ट का जरूरी है, दीदी कभी निराश होने नहीं देगा, हमेशा हम ट्राई करेगा, उसी बेस्ट उससे अच्छा मतलब हम करते हैं, मतलब अच्छा से हम ब्लॉगिंग करते रहेगा, इसलिए आपको प्लीज आपको सपोर्ट करना होगा। दोस्तों अभी हमको कपड़ा सब मिलाना है, फ्रेश अप हो रहा है, उसका बाद में जल्दी सो जाना है आज, क्योंकि कल सुबह 3 बजे में निकलेगा। तो इसलिए होगा दोस्तों हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगा है बोले से प्लीज कमेंट करके बताना, और मेरा चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना दीदी को, ठीक है। तो होगा मिलेगा कल परसों एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक सभी को बाय।